Hello viewers, my name is Zahid Chaudhry and I'm a senior solicitor here in UK. जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम जो है लॉ से रिलेटेड है और सैयद सॉलिसिटर्स की जानिब से ये आप लोगों के लिए पेश किया जाता है। पिछले प्रोग्रामों में भी मैंने आप लोगों को ये बताया था और आज फिर उसको रिपीट करता चला जाता हूँ कि इस तरह के जितने भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि जो कम्युनिटी है उसके अंदर आगाही जो है वो पैदा की जाए, उनको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, और अगर किसी का इमिग्रेशन लॉ के हवाले से, फैमिली लॉ के हवाले से, विल्स एंड प्रोबेट्स के हवाले से, जब फैमिली लॉ हम कहते हैं तो उसमें अगर डिवोर्स है उसके हवाले से, अरेंजमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है उसके हवाले से, किसी किस्म का यानी लॉ से रिलेटेड जो है वो कोई भी क्वेश्चन है आप लोग जो हैं वो अपनी लाइव कॉल के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाएँ। ये जो इस प्रोग्राम में आपको बात जो हम प्रोवाइड करते हैं या इन्फॉर्मेशन जो हम आपको देते हैं ये लीगल एडवाइस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है। ऑब्वियसली जब तक कि आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको ना देख लिया जाए उस वक्त तक एक प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है वो थोड़ा मुनासिब नहीं दी जा सकती। तो इसलिए इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं उनमें जितने भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए आप या कम्युनिटी सर्विसेज के तौर पर आप उसको ले सकते हैं। तो हमारी लाइव कॉल्स जो हैं उसके ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर कोई भी अगर इमिग्रेशन लॉ के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। देखें, जिस तरह से फॉर्मेट आपको पता है कि कोशिश ये होती है कि आप लोगों को कुछ जनरल टॉपिक्स जो हैं इमिग्रेशन लॉ के हवाले से उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ जो है वो बताता चला जाऊं। देखिए, आज जो है वो हम बात करेंगे जेनेरिक, जो हमारी बात होगी कॉल के साथ साथ वो जो होगी वो डिस्क्रिशनरी लीव के हवाले से हम बात करेंगे कि डिस्क्रिशनरी लीव जो है वो क्या होती है और उसमें जो है वो क्या रूल्स हैं और क्या होते हैं। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे ड्यूरिंग द आवर दिस शो। तो चलते हैं अपने पहले कॉलर की तरफ। हेलो 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 हेलो, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं अपना नाम देना नहीं चाहती हूँ। जी जी ठीक है, आप सवाल करें। The thing is, my son is getting engaged or nearly engaged to a girl who is from Africa. जी। वो इधर pharmacy की study कर रही थी। Yes. And she's also for her pre-reg got a working permit. Yes. So that's all set up for her. अभी the thing is, my son is working. Yes. And we are just concerned that what happens when they apply for spouse visa? Would there be a problem? Where is the girl at the moment? The girl is here in UK, in Birmingham. And she is on a work permit, you're saying? She's studying, she's doing her last exams now. She is on a student visa? Yeah. Okay, thank you for your call. Yes, there shouldn't be any problem. Yes, if she is on a student visa, she is entitled to switch into a spouse visa, subject to obviously she needs to meet all the requirement. Jo sabse important jo requirement hai, you know that if your son is earning £18,600 along with other requirement, so I don't think so there should be any problem. She will get her spousal visa. Thank you for your call. बढ़ते हैं अगले call की तरफ। Hello. Hello, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, एक तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा सर, मेरा क्वेश्चन था कि मैंने जीआर किया था, सॉरी असाइलम किया था, वो सर्टिफाई हो गया। जी। अब मैंने जीआर की एप्लीकेशन की हुई है। जी। और होम ऑफिस को डिफेंस फाइल किए तकरीबन 5 वीक हो गए। जी ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता था कि कितनी देर तक मुझे पता चलेगा कि परमिशन मुझे अलाउ होती है। जी थैंक यू वेरी मच। कितनी ड्यूरेशन होती है? जी आई जस्ट या थैंक यू वेरी मच। देखें, जुडिशियल रिव्यू आजकल एक तो यह है कि बड़ा लीगली थोड़ा टफ होता चला जा रहा है, और जैसे आपने कहा कि सर्टिफिकेशन है तो इसको तो, और अगर उन्होंने आपको आउट ऑफ कंट्री राइट ऑफ अपील दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है।
तो आपने अगर सिर्फ उसकी सर्टिफिकेशन चैलेंज कर सकते हैं, तो सर्टिफिकेशन को आपने चैलेंज किया हुआ है, ये टाइम लगता है इसके ऊपर, 5 वीक जो है ये एनफ नहीं होता कोर्ट के लिए, तो वो उसको देखें। तो मुझे लगता है कि अभी जो है 2-3 महीने फर्दर होंगे आपका जो है उसको पता चलने में कि इसके अंदर आपको परमिशन मिली है या नहीं मिली। थैंक यू फॉर योर कॉल। इज देयर एनी नेक्स्ट कॉल? जी, तो मैं आपको प्रोग्राम के शुरू में बता रहा था कि जी सलाम अलैकुम। ओके, माय कॉल गॉट कट ऑफ। आई वाज आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट द स्पाउस वीजा। यस, सो यू वर सेइंग दैट देयर शुडंट बी अ प्रॉब्लम एंड द कॉल ड्रॉप हो गई। जी, या देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर क्वेश्चन वाज दैट वेदर शी इज एंटाइटल्ड टू स्विच इनटू दैट स्पाउस वीजा। यस, शी कैन स्विच व्हाइल शी इज इन दिस कंट्री, एंड ऑब्वियसली इफ योर सन इज अर्निंग 18,600 एंड इफ दिस दिस गर्ल इज एंटाइटल्ड टू अंडरटेक एन एम्प्लॉयमेंट, सो बोथ कैन कंबाइन देयर इनकम। सो इफ दे मीट द फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड, सो देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम, सर्टनली शी विल गेट हर स्पाउस वीजा। थैंक यू फॉर योर कॉल। नेक्स्ट कॉलर, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अंकल, मैं हमें दो मिली सी डेफिकेशनल लीज 3 साल की लिमिट पर। जी, तो हमें एक बार मिली है, दूसरी बार हमने डेफिनेट स्टे के लिए अप्लाई किया हुआ है। जी, तो मेरे दोनों बच्चे डिसेबल हैं इस कंट्री में। जी, तो वो हमारे तो फिंगरप्रिंट हो गए हैं। जी, तो बच्चों के नहीं हो सकते हैं, वो ज्यादा बीमार है, वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चे आपके यहाँ पैदा हुए थे? एक बच्चा यहाँ पैदा हुआ था, तो एक बच्चा पाकिस्तान में। जी ठीक है, तो दोनों बच्चे जो है वो ज्यादा बीमार हैं। जी, तो फर्स्ट टाइम हमें जो मिली थी तो उन्होंने फिंगरप्रिंट नहीं करे थे, डॉक्टर ने लेटर से लिखा था कि बच्चे फिंगरप्रिंट नहीं कर सकते हैं। जी ठीक है, तो दोबारा उन्होंने फिर हमसे महंगा, हमने फिर उनको लेटर लिखा है कि बच्चे फिंगरप्रिंट नहीं कर सकते हैं। जी, तो उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट डॉक्टरों हमने दिए हुए हैं, तो हमें तकरीबन 5-6 वीक हो गई। सवाल क्या है आपका? तो फिर इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं कि ये हमें फिर दोबारा फिंगरप्रिंट के लिए कराना पड़ेगा, उनको क्या करेंगे, बच्चे नहीं कर सकते हैं फिंगरप्रिंट? देखें, अगर तो डॉक्टर ने ऐसा कोई लेटर दिया है जिसमें, देखें नॉर्मली ये होता है कि अडल्ट जो हैं वो बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो उनके करवा सकते हैं फिंगरप्रिंट्स, लेकिन अगर डॉक्टर की ओपिनियन ये है कि नहीं बच्चे जो हैं वो करवा ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर आपने डिस्क्रेशनरी लीव के ऊपर 6 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो जैसे आपने बताया है कि आपने इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ये सर्टनली जो है आपका हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा नाम मोहम्मद अदील है और माशाल्लाह मैं आपको प्रोग्राम देख रहा हूँ और इसी वजह से कॉल की है। जी, तो मेरी जो है वो एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो सेकंड बेबी है मोहम्मद हुसैन, वो साइप्रस में पैदा हुआ है और मेरी वाइफ जो है वो यूके ब्रिटिश सिटीजन है और मेरा फर्स्ट बेबी भी ब्रिटिश है। जी, तो मेरे जो दूसरा बेबी है वो हम जो है उनको उसको लेके यहाँ आना चाहते हैं, मेरे पास रेजिडेंस ईयू है और हम उसका अप्लाई करना चाहते हैं कि वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दें यूके वाले। तो हमने जो है वो उनसे ये बात की है, लेकिन वो हमें कहते हैं कि नहीं, आप जो है वो ये ब्रिटिश नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपके सेकंड पेरेंट्स जो है वो इसके जो है वो मेंशन होंगे कि अगर वो अप्लाई वो होंगे ब्रिटिश तो देन ये ब्रिटिश होगा। तो हमने होम ऑफिस से जो है वो लेटर जो है उन्होंने कहा एक लें, तो वो हमने अप्लाई किया है। मेरे जो ससुर हैं वो ब्रिटिश हैं, वो उनका उनको मिलेगा। तो मेरा सवाल करने का ये मतलब है कि आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा रीजन है, कोई आर्टिकल है कि जिसकी वजह से मेरा बच्चा जो है वो उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल जाए और मैं जो है वो उसको यहाँ से बाई सेफली यहाँ ले आऊँ। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। देखिए, ये जो नेशनैलिटी है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ लॉ है, तो ये देखना पड़ेगा। सम टाइम ये होता है कि कुछ नेशनैलिटी की ऐसी टाइप्स होती हैं जो कि एक जनरेशन के बाद अगर बच्चा जो है वो आउट ऑफ यूके बॉर्न हुआ है, तो वो फिर
जो है वो उसको डायरेक्टली वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती और फिर बच्चा जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश नहीं होता। तो ये तो सारे देखना पड़ेगा कि आपकी जो वाइफ हैं उनको ब्रिटिश नेशनैलिटी जो है वो कैसे मिली थी। अगर वो भी कंट्री से बाहर पैदा हुई थी और उनको अपने वालदान के थ्रू होगी तो ये एक मुश्किल जो है वो होगा। उसके लिए सिंपल ये है कि वो बच्चा जो है वो क्योंकि यहाँ पर आपका बच्चा है, आपकी वाइफ का है, तो वो वहाँ से जो है वो अप्लाई कर सकता है एंट्री क्लियरेंस के लिए कि वो यहाँ अपने जो ब्रिटिश उसके मम है उसको ज्वाइन करना चाहता है। तो ये एक सिंपल सी बात है, इसमें वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये जो नेशनैलिटी की है ये अगेन ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके किसी सलिस्टर के पास जाएं तो वो देखेगा कि क्या बच्चा जो है उसकी ब्रिटिश नेशनैलिटी की इंटाइटलमेंट है कि नहीं है। अगर है तो वो फिर आप उसके जो है वहीं पर आप उसके ब्रिटिश जो पासपोर्ट है उसके लिए आप अप्लाई करें, तो और कोई चीज़ अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर योर कॉल। देखें ये जी मैं जो बात कर रहा था आपसे शुरू में, जैसे मैंने कहा कि आज हम डिस्क्रेशनरी लीव जो है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो कालों का सिलसिला क्योंकि ऐसा चलता रहता है कि बात जो है वो बीच में रह जाती है, लेकिन क्योंकि ये आपको जनरल टॉपिक्स जो है उनके बारे में बताना जो है ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। देखें डिस्क्रेशनरी लीव जो है उसकी दो अब कैटेगरीज जो हैं वो मौजूद हैं। देखते हैं जी अब लेट मी सी हु इज ऑन द कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं तो सबसे पहले आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। और आपका अंदाज भी माशाल्लाह बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। थैंक यू। और बस एक मुख्तसर सा मेरा छोटा सा सवाल है जी। स्टूडेंट वीजा में हो और अगर वाइफ भी हैं साथ, क्या स्विच हो सकते हैं इसी मुल्क में रह के वीजा, यानी कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ मेरी वाइफ डिपेंडेंट है, वाइफ ले लें वीजा और मैं डिपेंडेंट हो जाऊँ, क्या इसी मुल्क में रह के हो सकते हैं जी? कौन से वीजे पे आप स्विच करना चाह रहे हैं? स्टूडेंट यानी कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ जी जी और वाइफ मेरी डिपेंडेंट है जी जी। थैंक यू फॉर योर कॉल। देखें ये एक थोड़ा टेक्निकल सा मसला है। यस, कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जैसे आप टीयर टू में अगर कोई स्विच करना चाहता है स्टूडेंट तो वो बिल्कुल कर सकता है और उसका डिपेंडेंट जो है वो भी उसके साथ, उसको वापस जाने की ज़रूरत नहीं होती, हो सकता है। ये जो स्टूडेंट वीज़े की अगर आप स्विच करना चाहते हैं और ये जो डिपेंडेंट है उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि आपका इनिशियल जो एंट्री क्लियरेंस थी वो कब हुई थी और उस वक्त कौन से रूल जो हैं वो एप्लीकेबल थे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पासपोर्ट जिसके ऊपर आप इनिशियली आपको एंट्री क्लियरेंस मिली थी वो लेके आप किसी सोलिसिटर के पास जाएं, तो फिर उससे ये, क्योंकि ये डेट्स जो हैं स्टूडेंट वीजे के अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जनरली प्राइमरी फसाई तो उसमें लगता है कि उसकी जो स्विच होने में कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि ये बता रहा हूं कि लॉ के मुताबिक डेट्स देखी जाएंगी कि आपकी फर्स्ट जो एंट्री थी एज अ स्टूडेंट वो कैसी थी, तो उसके हवाले से फिर देखना पड़ेगा उसको। थैंक यू फॉर योर कॉल। देखें अगेन डिस्कशन रिलीफ के बारे में बात कर रहा हूं, तो दो तरह के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 9 जुलाई 2012 जो है उससे पहले डिस्कशन रिलीफ जो है वो दी गई है। अगर वो लोग जिनको इनिशियल डिस्कशन रिलीफ जो है वो 9 जुलाई 2012 से पहले दी गई थी तो वो 3 साल की होती थी। अब अगर जिस तरह के एक कॉलर ने यहां से पूछा भी था ये क्वेश्चन, तो अगर वो कॉलर जो है वो जो बंदा है अगर उसकी एक्सटेंशन है और उसने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया और वो भी उसको 3 साल के लिए मिल गई है, तो अब जो लोग 3-3 साल वाले हैं जब 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे डिस्क्रेशनरी लीव के ऊपर तो फिर क्या होगा, फिर वो इंटाइटलमेंट उनकी होगी सेटलमेंट के लिए, तो वो सेटलमेंट जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें एक बात जो मैं और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वो लोग जिनकी 3-3 साल की डिस्क्रेशनरी लीव्स होती हैं वो जब अप्लाई करते हैं सेटलमेंट के लिए तो वो उसमें इंग्लिश टेस्ट जो है वो पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जम्पशन होती है, उसमें बढ़ते हैं अपने अगले कलर चेयर और फिर उसके बाद में आप इस टॉपिक को कैरी ऑन करूँगा। हेलो वालेकुम सलाम जी। साहब मेरे दो सवाल हैं जी। जी पहला सवाल ये है कि मेरे पास ब्रिटिश नेशनलिटी है जी और मेरा बेटा 2000
13 में यहाँ आया है पाकिस्तान से जी, ठीक। उसके पास अभी 10 ईयर्स का वीजा है जो ढाई ढाई साल के लिए मिलती है जी। वाइफ के पास भी वही है जी। मैंने सवाल आपसे ये करना था कि अगर मैं उसका इंडेफिनिट करवाना चाहूँ तो करा सकता हूँ सेट एफ फॉर्म के तहत? मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये सवाल पूछा था लेकिन मुझे सही जवाब में मुतमिन नहीं हुआ उससे, क्योंकि सेट एफ के तहत जो बच्चे पाकिस्तान में पैदा हों, कोई एक माँ या बाप किसी एक को अगर मिल जाए नेशनलिटी, तो क्या वो अपने उस बेटे को जो पाकिस्तान से आया है, बेटा या बेटी, उसको इंडेफिनिट दिला सकते हैं? एक सवाल जी, जी, मैं आपको दूसरा सवाल जी, ठीक है, ठीक है। मेरा दोस्त है जिसका एंटरप्रेन्योर वीजा रिफ्यूज हुआ था 2014 में, अभी उसका अपर ट्रिब्यूनल में केस है जी, तो वो ये चाहता है कि अपनी वाइफ को बुला ले पाकिस्तान से इस सेप्टेम्बर सेशन में एज ए स्टूडेंट, और स्विच हो जाए उसका डिपेंडेंट। उसका केस अभी तक अपर ट्रिब्यूनल में के लिए परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ, फर्स्ट ट्रिब्यूनल में परमिशन के लिए, फर्स्ट ट्रिब्यूनल से रिफ्यूज हो गया, फिर परमिशन अप्लाई की है, तो क्या वो ये कर सकता है कि अपनी वाइफ को बुलाए और स्विच हो जाए? जी, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। जो पहला सवाल है उसको आप जरा गौर से सुन लीजिएगा फिर, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल चीज़ होती है। देखें, आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी थी जब आपके बच्चे ने एंट्री क्लियरेंस जो है उस अप्लाई किया। अब मुझे ये समझ नहीं आती है, अगर वो एंट्री क्लियरेंस से आया है तो फिर उसको उन्होंने 10 साल के रूट पर क्यों लगाया है? ये क्लैरिफाई करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चे जो कि अपने ब्रिटिश पेरेंट्स जो हैं उनको ज्वाइन करने के लिए आते हैं, तो लॉ के मुताबिक तो वहाँ पे उनकी जो एंट्री क्लियरेंस होती है उसी में उनको इनडेफिनेट लीव टू एंटर मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लैरिफाई होगी। समटाइम होम ऑफिस ये करता है कि जी उनको 2 साल का वीज़ा जो है वो दे देता है और फिर यहाँ पे आके वो लेकिन यह है कि अगर आप उस इनिशियल डिसीजन जो है जिसमें कि एंटी क्लियरेंस में उन्होंने आपको 2 साल का वीज़ा दिया है कि आप ब्रिटिश पेरेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आप उसको चैलेंज करना चाहें जुडिशियल रिव्यू में तो बिल्कुल आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बात क्योंकि क्लैरिफाई नहीं है कि आपके जो बच्चा है उसको ढाई ढाई साल का 10 साल के रूट पर क्यों उन्होंने लगाया है, क्योंकि एंट्री क्लियरेंस अगर जो उसकी 2 साल की हुई थी तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद उसका इंडेफिनेट बनता है। लेकिन ये आप या तो स्टूडियो से मेरा नंबर ले लीजिएगा या फिर किसी वक्त मुझे दोबारा कॉल करके मुझे ये बता दीजिएगा कि उन्होंने आपके जो बच्चा है उसको ढाई ढाई साल का वीजा क्यों दिया है। एंटी क्लियरेंस अगर वो उसने ज्वाइन करना था आपको तो उसको वहां से इंडेफिनेट लीव टू एंटर मिलनी चाहिए थी, अगर नहीं तो होम ऑफिस 2 साल का वीजा देता है उसके बाद वो इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल, बढ़ते हैं अगली कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। जी वालेकुम सलाम। जी ब्रदर, मैं आमिर बात कर रहा हूँ हडर्सफील्ड से। जी जी, मैंने पूछना था कि मैंने 2013 में अप्लाई किया था सेटलमेंट वीजे के लिए। मेरी वाइफ इधर की है और मैं पाकिस्तान से स्टूडेंट आया था जी, तो उनके एक दो बीच में लेटर मिस हुए, एक बार मेरा रिफ्यूज हुआ था B2 की वजह से और उसके बाद मेरे एक दो लेटर मिस हो गए थे कि मैं नहीं जा सका उधर, साइन पे नहीं गया, तो उसके बाद से उन्होंने मेरा अपील का राइट वगैरह ये सब कुछ फिनिश कर दिया था जी। अभी मुझे दोबारा अपील का राइट मिला है जी, लेकिन अभी वो बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ उन्होंने वो जो डायरेक्शन लिखते साथ में वो उन्होंने सेंड किया, अपील का राइट भी दे दिया और ये सारे बोल रहा है कि इनके साथ आप वापस करें, और डायरेक्शन में उन्होंने लिखा है कि आप प्रूफ करें कि आप जो इतना टाइम आप इधर थे तो आप कहाँ से आप अपना गुजारा कर रहे थे, कहाँ से खा पी रहे थे, तो सब कुछ जो आपने गाड़ी शाड़ी रखी और ये सब कुछ सारी चीजें, कि आपकी वाइफ भी जॉब नहीं करती थी और आप भी, आपको भी जॉब की इजाजत नहीं थी, तो आप सारा ये कहाँ से कर रहे थे, तो कुछ इसके बारे में मुझसे दे सकते हैं जी। तो आपकी आपकी जो वाइफ है वो ब्रिटिश है? जी जी, वो ब्रिटिश है, मेरे दो बच्चे भी हैं, दोनों वो भी इधर ही बोर्न हुए मेरे। जी जी, थैंक यू फॉर योर कॉल। देखें, ये अगर तो जैसा मैंने कहा है कि अगर तो आपको अपील का राइट मिला हुआ है तो ऑन अ बेसिस ऑफ योर जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग पेरेंटल रिलेशनशिप विद योर ब्रिटिश चिल्ड्रन आपको डिस्क्रेशनरी लीव मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि आपने सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीच में कहीं गैप आ गया हुआ है जिस वक्त आपकी लीव नहीं थी तो शायद सेटलमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो आपने ऑब्वियसली आप होम ऑफिस को बताना पड़ेगा कि ये जो बीच में पीरियड था इसमें आप अपने आप को और अपने जो आपके डिपेंडेंट हैं या आपकी वाइफ जो हैं और जो बच्चे हैं उनको आप मेनटेन कैसे
کر پا رہے تھے. تو یہ تو آبویسلی کیونکہ کوشچن آف فیکٹس ہے, تو یہ آپ اگر کوئی آپ کی فیملی ممبر آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ ان سے ان کے طرف سے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہماری ہیلپ کر رہے تھے. تو یہ چیز آپ کو ایڈریس کرنی پڑے گی. لیکن اگر ہوم آفس نے یہ آپ سے مانگا ہے تو بالکل آپ ان کو ایک لیٹر کے ذریعے یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کورٹ نارملی اس طرح سے نہیں مانگتی, لیکن کورٹ میں جب آپ جائیں گے آپ اپنی اسٹیٹمنٹ وغیرہ تیار کریں گے تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور آپ کی بیوی جو ہے اس کو آپ کیسے مینٹین کر رہے تھے, کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو ثابت کرنی پڑے گی. تھینک یو فار یور کال. بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی زاہد صاحب, آپ کہہ رہے تھے ابھی آپ نے کلیریفائی نہیں کیا کہ آپ کے پاس سیٹلمنٹ تھی تو اس کا کیوں وہاں سے اس کو ویزا نہیں ملا. جی میں یہ آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ میں یہ جو میرا بیٹا آیا ہے پاکستان سے اس وقت میرے پاس انٹرپرنور ویزا تھا جو بعد میں نے ریفیوز ہو گیا. انٹرپرنور پر کا میں نے اپلائی کیا تو ریفیوز ہو گیا. میں پوسٹ اسٹڈی ورک پہ تھا. انٹرپرنور پوسٹ اسٹڈی ورک پہ ڈیپینڈنٹ آئے تھے میرا وائف اور میرا بیٹا 2013 میں. پھر وہ اپیل چل رہی تھی تو اس دوران میرے 10 سال پورے ہو گئے تھے. میں نے انڈیفینٹ لے لیا, پھر نیشنلٹی لے لی ایک سال کے بعد. اب میں یہ کوشچن آپ سے کر رہا تھا کہ اگر میں اس کو سوئچ کرانا چاہوں انڈیفینٹ پہ تو سیٹ ایف کے تحت کسی ماں یا باپ کے پاس نیشنلٹی ہو تو کیا میں کرا سکتا ہوں؟ میرے پاس تو نیشنلٹی ہو گئی. جی جی. دوسرے سوال کا آپ نے میرے دوست کے سوال کا جواب نہیں دیا. جی میں کیونکہ دوسری کال آ گئی, میں بیچ میں رہ گئی. وہ بالکل آپ کے دوست کا سوال کا جواب میرے ذہن میں ہے, وہ میں آپ دیتا ہوں, آپ سنتے رہیں. ٹھیک ہے. ہیلو ہیلو. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. ہیلو. جی 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 ٹھیک ہے. دیکھیں ہاں, آپ نے اب کلیئر کر دیا کہ اسی لیے کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ کے طور پر آئے تھے تو اس لیے ان کو وہاں سے یہ ویزا جو ہے وہ نہیں ملا. کیونکہ آپ نے پہلے بتایا کہ آپ کی نیشنلٹی تھی, کیونکہ آپ نیشنلٹی جو ہے آپ کی بعد میں ہوئی ہے. تو ابھی اس وقت جو ہے بالکل ڈیفینیٹلی اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں, اگر بچے کی یہاں پہ 5 سال پورے ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہیں وہ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ جی تھینک یو, آپ کے دوست کے سوال کا جواب دیتا ہوں, میں یہ کال لے لوں, آپ سنتے رہیے گا. تھینک یو. ہیلو جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, میں 2013 میں آیا تھا یہاں انگلینڈ میں ہی سیٹلمنٹ ویزے پہ. جی جی. تو میں نے یہ پتا کرنا تھا, اس کے بعد میں نے ایکسٹینشن ریسی 33 لینے کا ویزا نہیں ہوتا جو. جی کیا 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 تھا آپ نے؟ سیٹلمنٹ کے ویزے کے اوپر آیا تھا میں جو 2013 میں. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے بعد ٹینشن کروائی تھی اپنی, میں نے انگلش کورس کیا تھا. جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد الٹرنیٹی کالج سے کیا تھا میں لندن سے. جی جی ٹھیک ہے. تو اب میں نے انڈیفینٹ کے لیے کرنا ہے اپلائی. جی. تو اس کے لیے میں نے پتا کرنا لائف ان یو کے کرنا پڑے گا مجھے یا B1؟ جی آپ کا جو انیشل ویزا آپ نے اپلائی کیا تھا وہ 9 جولائی 2012 سے پہلے کا کیا تھا آپ نے؟ جی جی. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا ہے. جی جی. تو میں نے کورس کیا تھا. جی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اگین, آپ کی جو بات آپ بتا رہے ہیں اس میں اتنی کلیریفکیشن نہیں ہے, میں دوبارہ آپ کو پورا بتا دیتا ہوں اس میں, پھر آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ ہوتا کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اسپاؤزل ویزے پہ آتے ہیں تو 2.5 سال کے بعد آپ کو ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے, یہ ایک نارمل رول ہے. اور ایکسٹینشن اگر آپ کو مل گئی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر آپ اسپاؤزل ویزے کے اوپر 5 سال پورے کر لیے ہیں تو 5 سال کے بعد آپ کی جو ہے وہ انڈیفینیٹ لیو ہوگی, اور اس انڈیفینیٹ لیو کے لیے آپ کو لائف ان یو کے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا میرے خیال میں سوال کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ اور کالر ہیں, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. ہیلو. اچھا یہ کہا جا رہا ہے جی کہ بریک لیں. وہ جو بھائی صاحب کے دوست کا جواب ہے وہ میں دے سکتا ہوں کہ بریک لینی پڑے گی؟ اچھا وہ بریک کے بعد ہم آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا جواب سب سے پہلے میں دوں گا. ملتے ہیں آفٹر دا بریک. تھینک یو.